देखो, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, क्लास एट का एक्सरसाइज फोर, घातांक और घात, पावर एंड एक्सपोनेंट्स। ठीक है, अब इसमें से होता क्या है, इसको ध्यान से देखो। सबसे पहले ना कोशिश करेंगे हम लोग अपना लोकल लैंग्वेज में समझने का। उधर मत देखो, यहाँ देखो, तुम लोग पढ़ने पे ध्यान दो अपना। ठीक है, ध्यान से देखो। जैसे घातांक और घात, ये क्या है क्या चीज़ आखिरकार, पावर और एक्सपोनेंट में है क्या, देखना क्या होता है। तो बेसिकली ये आपको एक नंबर के बारे में जानकारी देता है कि उसको कितने टाइम्स लिखना है। पावर किसी चीज़ का, यदि फर्स्ट में हम पावर की बात करें तो ये पावर बताता क्या कि एक नंबर को कितने टाइम्स लिखना है। जैसे सपोज करो मैंने लिख दिया है एक नंबर 5। 5 मतलब क्या समझ रहे हो, सिंपल 5 है। यदि इसके ऊपर पावर की बात करूँ मैं तो कितना पावर होगा, इसके ऊपर कुछ जब नहीं है ना, जब कुछ भी नहीं है तो पावर 1 होता है। धरती में जिसका कोई नहीं होता उसका, और भगवान कितना है, 1। उसी प्रकार से यदि आप ध्यान से देखोगे, लेकिन जैसे मैंने यहाँ पे पावर 2 किया, इसका मतलब क्या आ गया, 2 से डिवाइड पावर है, तो क्या इसको मैं लिख सकता हूँ 5 गुना 2, नहीं ये नहीं होगा, इसका मतलब ये नहीं होता है। 5 का पावर मैंने यदि 2 लिखा तो इसका मतलब हो गया 5 × 5 = 25। यदि मैंने पावर को यहाँ 3 बढ़ा दिया मतलब क्या होगा, मतलब यू नीड टू राइट 5 3 times, इट विल बी 125। इसी प्रकार से मैंने यदि यहाँ पे 4 बढ़ा दिया तो कितना हो जाएगा, इट विल हैव टू राइट इट 4 times, इट विल 625। समझ पा रहे हो आप, देख पा रहे हो। तो पावर मतलब क्या हो रहा है, पावर का मतलब, घातांक का मतलब क्या जा रहा है। तो इसका कहने का मतलब है कि घातांक का मतलब क्या हुआ कि सर यदि किसी भी संख्या को मैंने कितना बार लिखा, यदि मैंने 4 बार लिखा, 5 बार लिखा, तो कितना बार लिख पा रहे हो आप, वो उसका टोटल, वो पूरा टोटल दिखाएगा। ठीक है, अब डायरेक्ट कह सकते हो कि इस संख्या के ऊपर, 5 के ऊपर अभी घात 4। ठीक है, समझ पा रहे हो आप। इन्हीं चीज़ों को देखा जाता है। अब इनमें से ना कुछ आप ध्यान से देखोगे, सबसे पहले तो बेसिक क्या होता है वो समझ में आ गया आप लोगों को। अभी मैं आपको बता रहा हूँ इसका नॉर्मली कि फॉर्मूलाज कुछ इसमें अप्लाई करने पड़ते हैं। फॉर्मूलाज कुछ नहीं है, वो बेसिक से ही जनरेट हुआ है, लेकिन उसको एक स्टैंडर्ड वैल्यू में ला के डाल दिया गया। जैसे देखो मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ आपको, जैसे आप लोग ये अक्सर पढ़ते आ रहे होगे, a^m (a^n) = a^m + n। अच्छा, ये a^m (a^n) बराबर a^m + n ही क्यों होता है, ये a^m (a^n) बराबर a^m (n) क्यों नहीं हो जाता है? अरे तो बेस सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो मैं अप्लाई कर रहा हूँ, ये जो प्लस यूज किया मैंने, यहाँ दोनों के बीच में गुना का रिलेशन है, तो ये गुना, ये प्लस ही क्यों हुआ, ये गुना क्यों नहीं हो गया, लॉजिक क्या है इसके पीछे? इसके पीछे लॉजिक कुछ नहीं है, ये बस एक कंसेप्चुअल चीज़ है जो कि एक फॉर्मूला के रूप में दे दिया गया। जैसे देखो देखो एग्जांपल के थ्रू दिखाता हूँ मैं, a^m, मान लो मैंने 2 पर पावर रख दिया, m के जगह पे 2, ठीक है, 2 पर पावर, पावर 2 डाल दिया, और इधर गुना कर दिया मैंने 2 पर पावर 3। देख पा रहे हो, अब यदि आप ध्यान से ओवरऑल देखोगे तो प्लस क्यों हुआ साइन में, गुना क्यों नहीं हुआ? यदि आप गुना कर देते हो तो देखो कितना आ जाएगा, यहाँ पे ध्यान से देखो, 2 पर पावर 2 का मतलब कितना हुआ, अरे 2 पर पावर 2 मतलब 2 बार, गुना 2 पर पावर कितना है, 3 बार, मतलब तो यही ना हुआ। ठीक है, तो आप यदि इस प्रकार से कर रहे हो तो ये कितना हो गया, देखो 2 × 4 × 8 × 16 × 32, गुना करके आप यदि इन दोनों को, पावर को मैंने कुछ नहीं किया, कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया, डायरेक्ट क्वेश्चंस को लिखा, देखो 2 पर पावर 2 बार 2 पर पावर 3 बार, गुना किया, 32 आ गया। कोई दिक्कत हो रही है यहाँ तक? अब इसको मैं फॉर्मूला बेस्ड पर ला के लाने की कोशिश करता हूँ। आपको भी पता है 32 बराबर क्या होता है, 2 पर पावर, तुम यहाँ पे भी देख सकते हो। ठीक है, लेकिन यदि कह रहा हूँ कि मैं, तो इसको कैसे लाया जा सकता है, ये 2 पर पावर जो 5 आया वो कैसे आया, दिमाग लगाओ। तो बोले सर बेस सेम है, तो बेस सेम है, बेस सेम रहने दो, पावर जोड़ दो, 2 + 3 = 5, क्या आंसर सेम आया कि नहीं? लेकिन अभी जो इसके जस्ट अपोजिट में अभी मैंने आपको बताया था कि मान लो a^m (a^n) बराबर, चूंकि बीच में गुना का साइन था, तुम यहाँ पे भी गुना का साइन दे देते, तो उस स्थिति में तुम 2 × 3 करते यहाँ पे, और 2 × 3 = कितना होता, 6 होता।
क्या देखो सही आ रहा है, कहाँ सही आ रहा है, यहाँ 32 2 पर पावर 5 इसका एक्चुअल जेन्युइन आंसर है, और यहाँ पे यदि गुना करें तो 2 पर पावर 6 आ जा रहा है, ये तो 100% गलत है, है ना। तो दैट इज द रीजन, ये कोई मतलब फॉर्मूलाज वगैरह नहीं है, बस बेसिक कंसेप्ट्स हैं जिसको फॉर्मूला के रूप में उसने डालने का कोशिश किया है, ठीक है। तो आप जो एक्सरसाइज 4 पढ़ने जा रहे हो उसमें से आप जो कुछ फॉर्मूलाज को जो यूज करोगे वो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ जो आपको आवश्यकता पड़ेगी। इसमें देखो सेकेंड नंबर a^m डिवाइडेड बाई a^n भागा में, तो यही तो सेम चीज हुआ कि इसको नीचे में लिखा जाएगा, अरे दोनों में कोई अंतर थोड़ी ना है, चाहे ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं, ठीक है। मैं चाहे 3^5 लिखूं या इसको 3/5 लिखूं, क्या फर्क पड़ता है, वही तो चीज है। तो जैसे मैंने इसको ऐसे लिखा तो ये इज इक्वल टू आएगा, देखो अब जब गुना था बेस सेम था और आपस में गुना में था तो जुड़ गया, बेस सेम है भागा में है तो क्या होगा, पावर घट जाएगा, a^m - n हो जाएगा। समझ पा रहे हो आप, देख रहे हो ना, आगे देखो तीसरा नंबर में, ये तो हो गया जोड़ घटा, ये जोड़ घटा हो गया, गुना का भी सीक्वेंस देता है, ऐसा नहीं है कि नहीं देगा, लेकिन गुना कैसे देगा, जैसे मान लो a^m दिया, पावर है, इसी के ऊपर में फिर से पावर लगा दिया, तब ये डेफिनेटली किस चीज में होगा, गुना में होगा। जैसे एग्जांपल देखो 2 पर पावर 2 और इसके ऊपर में पावर 3 हो गया, 2 के ऊपर 2 और इसके ऊपर में पावर कितना हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, इस सिचुएशन में ये हो जाएगा 2 पर पावर 2 × 3 2 पर पावर 6। और इसको यदि जेनरली आप ट्रू करना भी चाहो तो कर सकते हो, आराम से होगा, कैसे होगा देखो ध्यान से देखो, 2 पर पावर 6 लाया ना, देखो 2 का स्क्वायर के ऊपर पावर कितना है, 3, अरे स्क्वायर के ऊपर पावर 3, तो मतलब यदि पावर यहाँ 3 है, इसको मैं कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं करूँ, डायरेक्ट सॉल्व करना चाहूँ तो क्या ऐसा नहीं होगा, देखो 2 पर पावर स्क्वायर है, इसको 3 बार लिखना, मतलब 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 × 2, 2 का स्क्वायर 2 × 2 और 2 का स्क्वायर 2 × 2, देखो 1 2 3, 3 × 2 क्या 2 पर पावर 6 आया कि नहीं, तो इतना लंबा कौन करेगा, डायरेक्ट आंसर लिखो ना 2 पर पावर 6। तो आप देख पा रहे हो कि a^m + n और m × n में डिफरेंस कहाँ पे आ जा रहा है, इस पावर के ऊपर पावर, और इसमें सिर्फ बेस सेम रहेगा और मल्टीप्लाई में रहेगा, ठीक है, अंतर दोनों में इन्हीं चीज़ों का होता है। अब आगे भी और फॉर्मूला है, एक मिनट रुकिए,